बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, जब मैं सुबह उठी हूँ तो अपनी विंडो जब मैंने ओपन की है तो सामने बारिश मुझे नज़र आई, जो कि बहुत यूजुअल है यहाँ पे, नॉर्मली होती ही रहती है। एक दिन में ही आपको डिफरेंट डिफरेंट किस्म के जो है ना मौसम देखने को मिलते हैं। धूप भी होती है, बारिश भी हो रही होती है, क्लाउडी भी हो रहा होता है, विंडी भी हो रहा होता है। मतलब बड़ा अनप्रडिक्टेबल सी सिचुएशन होती है वेदर की। तो बस मुझे थोड़ा सा ज़रा मुश्किल लगता है क्योंकि मैंने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने जाना होता है, मुझे लिटरली दो दो बसेस बदल के जाना पड़ता है, जो कि मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है। और ये कि फिर बच्चों को भी बस स्टॉप पे संभालना, वो भी एक हैसल होती है, क्योंकि ये तो होता नहीं कि बस हर 2 मिनट पर बाद आ रही है, वो उसके एक टाइम होता है, एक स्केड्यूल होता है, वो एनीवेज हम लोग देख के ही निकलते हैं। बट ये कि वापसी भी फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस टाइम मैं भी बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई थी क्योंकि बारिश देख के मेरा मूड एकदम से लिफ्ट अप हो गया था। और ये जो छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स पत्तों के ऊपर गिरे हुए ना, इससे बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो खैर, उसके बाद ये कि बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं वापस घर आई हूँ। आते साथ ही मैं किचन में एंटर हो गई थी और मैंने अपने ऑर्डर का काम स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली मुझे कुछ ऑर्डर्स मिले थे जिसमें मैंने शामी कबाब बनाने थे, कोफ्ते बनाने थे, चिकन के कबाब बनाने थे, चपली कबाब बनाने थे। मतलब ये 3-4 डिफरेंट जो है ना लोगों ने मुझे ऑर्डर किए हुए थे। अगर किचन आपका क्लीन अप ना हो और सारी सिचुएशन जो है वह मैसी हो, काउंटर टॉप्स भी ग्रीजी से हो रहे हो, तो आपका बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता काम करने को और आप बहुत गंदा गंदा सा फील करते हो। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि ये सुबह के बर्तन थे, मैंने सोचा कि इसको पहले मैं अच्छी तरीके से साफ़ करूं और फिर मैं अपने ऑर्डर का काम स्टार्ट करूं। मेरे पास 3 to 4 आवर्स थे जिसके अंदर अंदर मैंने सारे काम करने थे। 2-3 मैंने डिशेज़ भी प्रिपेयर करनी थी, वो भी लाइक एक टास्क था मेरे लिए। और साथ साथ मैं ऑब्वियसली व्लॉग भी शूट कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे आपको एक टिप देती चलूँ कि अगर आप अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लेना और आपको पता हो अपने अपने लाइक विजुअल्स में अपने माइंड में एक स्केच बनाया होता है कि मेरे पास 3 to 4 आवर्स हैं। जैसे मेरी अगर एग्जांपल लें तो बच्चे मेरे 8 बजे तक स्कूल चले जाते हैं, 8 से 9 में नाश्ता भी करती हूँ, उस टाइम अपनी मदर से बात भी कर लेती हूँ पाकिस्तान, और साथ साथ TV भी चल रहा होता है, कुछ देख भी लेती हूँ हल्का फुल्का। ये पूरा 1 घंटा जो है ना मेरे इसमें कंज्यूम हो जाता है। फिर 9 से तकरीबन 12, 12:30 तक ना मेरा सारा किचन का वर्क होता है, मेरा सारा ऑनलाइन काम होता है, इंस्टाग्राम को मैं देखती हूँ, साथ साथ मैं यूट्यूब का काम करती हूँ, मैंने अगर कोई ऑर्डर पकड़ा हुआ है तो फिर मैं उसको अपना कंप्लीट करती हूँ। तो ये 3 से 4 घंटे मेरे उस चीज़ में कंज्यूम हो जाते हैं। ये बहुत एक प्रोडक्टिव आई थिंक अप्रोच है और लिटरली वर्क फ्रॉम होम करना एक ब्लेसिंग है। मतलब अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको लाइक एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी आती है, स्टिचिंग बहुत अच्छी आती है, या अगर आप पेंटिंग बहुत अच्छे करते हैं तो आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं और उसमें जो है आप लोगों को दिखा सकते हैं अपने स्किल्स के बारे में, और साइमल्टेनियसली जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो करता है आपको ऑर्डर्स भी आने लग जाते हैं। तो हर चीज़ जो है ना वो आपकी डिमांड करती है आपसे आपका हार्ड वर्क, आपकी एनर्जी, टाइम, एफर्ट, और ऑब्वियसली इस चीज़ को बिल्डअप करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। और आजकल का लिटरली जो ज़माना चल रहा है उसमें कोई भी इंसान पारिग नहीं बैठ सकता। आई थिंक हर इंसान को, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर रह के अपनी लाइक घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए साथ साथ कुछ ना कुछ साइड बाय साइड ज़रूर करना चाहिए। अगर वो उनके जॉब टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल हैं तो वो जॉब कर सकते हैं, अगर वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहें तो वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। आई मीन आप सब लोगों की सिचुएशंस और सर्कमस्टांसिस डिफरेंट हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने अपने हिसाब से देखना है कि आप लोग घर में रह के, या अगर आपको बाहर भी जाना पड़ रहा है तो उस सिचुएशन में रह के आप लोग क्या काम कर सकते हैं जिससे आपका घर भी नेगलेक्ट ना हो और ऑब्वियसली आप बाहर के काम भी कर लें। इस तरह से ये कि बहुत इजी हो जाता है, आप लोग फजूल किस्म के जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं हम लोग को वो नहीं आती और हम लोग का डे भी बहुत प्रोडक्टिव गुजरता है। और लाइफ आपको एक दफ़ा ही मिलती है और उसमें अगर आपने कुछ ना कुछ नहीं किया, ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत ढेर सारे पैसे ही कमाएं या आप बहुत फेमस हो जाएं। आप अपने पर्सनल सुकून के लिए भी बहुत सी चीज़ें करते हैं। पर्सनल सुकून, सेटिस्फेक्शन लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो काम करें दिल से करें, प्यार से करें, इज्जत से करें, मोहब्बत से करें और उसमें प्राउड फील करें कि आपने ये काम अचीव किया है और आपको इसका रिवॉर्ड मिला है। लिटरली जो मेहनत होती है वो कभी भी ज़ाया नहीं जाती।
और लाइफ की कोई भी स्टेज हो, आप लोगों को उसका रिवॉर्ड जरूर ही मिलता है क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। लाइफ में डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ज़्यादा इजी होता है और गोल्स को अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गोल्स अचीव करने के लिए आपको परसिस्टेंट होना पड़ता है, आपकी डेडिकेशन चाहिए होती है और आपको कमिटमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप गोल्स अपने अचीव कर सकते हो। आई बिलीव हम लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कभी कुछ घर का माहौल, या फिर ये कि हम लोग खुद ही मायूस हो जाते हैं। बट लिटरली मैंने तो यही सोचा है और मैंने अपनी लाइफ से यही लेसन लर्न किया है कि आपको अपनी मोटिवेशन खुद बननी चाहिए। अपने स्किल्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है आप किसी चीज़ में प्रो हैं और आप वो उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो ज़रूर उसको यूटिलाइज करें, क्योंकि लाइफ तो बहुत तेज़ी से गुजर ही रही है और अगर लाइफ में कुछ किया ना, कुछ प्रोडक्टिव ना किया, तो फिर इस लाइफ का फायदा ही क्या। जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फर्स्ट स्टेप्स ले लें और बेबी स्टेप्स चढ़ते 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 चढ़ते, जिसे कहते हैं ना आप टर्टल की चाल चल रहे हैं, तो वो चलते जाएं अगर वो स्टेप्स और एक अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएं, तो फिर उसका रिवॉर्ड तो बहुत ओवरवेलमिंग वाला होता है। तो खैर, छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करें और इन द एंड ये कि आप कंसिस्टेंट रहें और फुल आपकी फोकस होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और कुछ करने का जज्बा बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। उसके बगैर तो कोई कोई चीज़ भी पॉसिबल नहीं होती लाइफ में। तो खैर, मुझे भी मेरी जो कुकिंग स्किल्स हैं, ऑब्वियसली वो मेरी मुझे मदर की तरफ से ही मिली हैं। मैंने हमेशा अपनी मदर को इसी तरह मतलब मेहनत से काम करते हुए देखा है, जो काम करती हैं दिल से करती हैं, और मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी यही काम करते देखा है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे खाने बनाती हैं और सेम वो भी बहुत दिल से जो है ना बनाती हैं। मेरी अपनी ये छोटी सी मोटिवेशन वाली जर्नी आप लोगों से शेयर करने का पर्पस यही था कि अगर आप लोगों के पास भी कोई स्किल है तो उसको प्लीज़ इस्तेमाल करें और कोई ना कोई काम ऐसे ज़रूर करें जिससे आपको भी खुशी मिले और ऑब्वियसली अर्निंग भी हो। यहाँ पर मैं अपने शामी कबाब बना रही थी और बहुत मुझे मज़ा आ रहा था, साथ साथ और खुशी भी मिलती है जब क्लाइंट्स जो हों या आपके जो कस्टमर्स हों वो बहुत आपको अच्छे रिव्यूज़ दें, उनका फीडबैक बहुत पॉजिटिव हो और आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। मेरे पास जो फ्रीज़र है वो छोटा है, तो मैं बैचेस में बनाती हूँ। अगर मैंने आज चिकन कबाब बनाए हैं तो 70% जब वो फ्रीज़ हो जाते हैं तो मैं उसको जिप लॉक बैग में डाल देती हूँ और फिर दूसरा बैच डाल देती हूँ, क्योंकि आपको पता है अगर शामी कबाब जो है उसकी शेप ही ख़राब हो जाए तो फिर फायदा ही कोई नहीं है। जितना मर्जी टेस्ट अच्छा हो, लेकिन अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो वो एकदम से ऑफ सीन हो जाता है। यहाँ पर सारे मेरे शामी कबाब रेडी हो गए थे और जब आप इतना ढेर सारा काम कर लो ना, तो फिर और दूसरा कोई तीसरा काम करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ये सारा वन मैन शो है। कंटेंट क्रिएशन जो है ना, वो कोई मजाक नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट लगती है, टाइम लगता है, और अगर आप लोगों के इंकरेजमेंट ना मिले या आपकी मोटिवेशन ना मिले, और अगर हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करें कि एक लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अगर वो भी ना हो तो लिटरली बहुत डिमोटिवेशन होती है। बट स्टिल व्हाट कीप्स अस गोइंग इज़ कि हम लोगों ने कुछ ना कुछ अचीव करना ही है लाइफ में। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं और अगर मेरे चैनल में कोई भी बात आप लोगों को कोई भी क्लिप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट की जरूरत है। एंड ऑफ कोर्स मोटिवेशन भी मिलेगी, एंड सेकंडली ये कि मेरे सब्सक्राइबर्स ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्लीज बढ़ा दें मेरे चैनल को, आगे से आगे शेयर करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें, अपना फीडबैक दें, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो वो भी मुझे बताएं। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। काम करते करते मुझे हो गई थी शाम और मैंने इस टाइम जब मोबाइल उठाया तो कुछ मैसेजेस आप लोगों के आए हुए थे, यूट्यूब पे मुझे कमेंट्स आए हुए थे, कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हुए थे लग्जमबर्ग के ही बारे में। किसी ने तो कहा हुआ था कि आप अपने हाथों का ख्याल रखें, आपके हाथ बहुत ज़्यादा रफ हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली हाथ तो रफ होंगे ही, जब आपने सारे काम खुद से करने हैं तो फिर कभी कभी इंसान अपने आप को भी निग्लेक्ट कर लेता है और कभी टाइम भी नहीं मिलता आपको, और कभी लाइफ इतनी बिजी चल रही होती है कि आपका अपने ऊपर ध्यान रहता ही नहीं है, दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, ऑब्वियसली मैं अपना जरूर ख्याल
ख्याल रखूंगी और मैं रखती भी हूँ, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह भी जाता है, तो इट्स ओके. दूसरा मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि यहाँ पे वॉशरूम्स कैसे होते हैं. तो वॉशरूम्स ऑब्वियसली यहाँ पे कोई पानी का निकास का सिस्टम नहीं होता, और पानी का शॉवर जिसे मुस्लिम शॉवर कहते हैं वो भी नहीं लगा होता. तो वो डिपेंड करता है कि कुछ लोग लगवा भी लेते हैं और कुछ लोग ऑब्वियसली लोटा यूज़ करते हैं. तो ये हर यू नो घर टू घर वेरी करता है. कुछ लोगों के घर में जिसमें बुजुर्ग हैं तो वो लगवा लेते हैं, और कुछ लोग लोटे से ही गुजारा करते हैं. तो दिस इज वेरी नॉर्मल हेयर. और एक साहब थे, उन्होंने मुझसे ये भी क्वेश्चन किया था कि वन बेडरूम अपार्टमेंट या फिर टू बेडरूम अपार्टमेंट या फिर लिविंग एक्सपेंस कितना आता है लक्ज़मबर्ग में रहने के लिए, तो वो भी बता दें. तो देखिए, इसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है. अगर कुछ लोग जिस तरह पाकिस्तान में भी किसी लोगों का 5 लाख की सैलरी में भी गुजारा नहीं होता, और किस कुछ लोग जो होते हैं उनका 1 लाख या 50,000 की सैलरी में भी गुजारा हो जाता है, तो ये आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपका बहुत एक्स्ट्रा वेगेंटली आप खर्च करते हो, आप लोग बहुत ब्रांड कॉन्शियस हो और आप लोग हर महंगी से महंगी चीज़ लेना पसंद करते हो, और आप लोगों की आउटिंग्स होती हैं और आपका वे ऑफ लिविंग बहुत जिसे कहते हैं ना शहाना है, तो ऑब्वियसली आपके खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं. लक्ज़मबर्ग को बहुत ज़्यादा फैमिली और किड्स फ्रेंडली कंट्री कहा जाता है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा यू नो पार्क्स हैं, और बहुत ही एक सुकून वाला और काम वाला माहौल है. क्राइम बहुत ज़्यादा नहीं है. बाकी ये कि ऑब्वियसली हर जगह रहने के पर्क्स होते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में यही बताती हूँ. किसी भी चीज़ से आप इंस्पायर नहीं हो सकते. बाहर का माहौल बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली खुला है, और लेकिन डिपेंड करता है कि आपने अपने घर के माहौल को कितना स्ट्रांग बनाया हुआ है, कितना प्रोग्रेसिव बनाया हुआ है, और आप लोग रिलीजन को किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं घर में. दैट यू नो दैट मैटर्स अ लॉट. बाहर तो जो है वो है ही, उससे तो ऑब्वियसली आप आंखें बंद नहीं कर सकते, बट ये कि आपने घर के माहौल को किस तरह स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये ज़्यादा मैटर करता है. और यहाँ पे अपार्टमेंट्स जो हैं वो छोटे छोटे ही होते हैं. बहुत बड़े बड़े अगर अपार्टमेंट्स आपने लेने हैं तो वो ऑब्वियसली आपको सिटी से बाहर मिलेंगे. एरिया वाइज भी यहाँ पे अपार्टमेंट्स होते हैं, बट एरिया मेरे हिसाब से तो सारे ही बहुत अच्छे हैं. हाँ, ये ज़रूर होता है कि आपको बॉर्डर के करीब जो लाइक अगर अपार्टमेंट मिलता है तो वो कदरे आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू सिटी में अगर आप रह रहे हों. बट ये कि यहाँ पे सिटी लाइफ या अगर आप बॉर्डर के पास रहते हैं, रूरल लाइफ या अर्बन लाइफ में कोई इतना डिफरेंस नहीं है आई थिंक, बल्कि वहाँ पे ज़्यादा सुकून है सिटी लाइफ में. फिर भी आपको चहलकदमी और रौनक देखने को मिल जाती है. लक्ज़मबर्ग में ये भी रूल है कि अगर आपके डिफरेंट जेंडर्स हैं, लाइक आपको बेटा भी है आपके पास बेटी भी है, तो आपके अपार्टमेंट में 2 डिफरेंट बेडरूम्स होने चाहिए. और अगर आपका सेम जेंडर है तो लोग कुछ गुजारा कर भी लेते हैं एक बेडरूम से, बट ये कि यहाँ पे एक रूल है कि अगर आपके बच्चे हैं 2 तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको जो है ना अपने रूम्स फिर लेने पड़ते हैं. अगर आप सिंगल पर्सन है तो आपका तकरीबन 2.5-3.5 में आपका गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपका 4 में भी बहुत अच्छे तरीके से गुजारा हो सकता है. अगर आपने पाकिस्तान पैसे भेजने हैं अपने पेरेंट्स को तो वो उस हिसाब से डिपेंड करता है. अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च ना करो, बाहर होटिंग ना करो, फजूल किस्म की शॉपिंग ना करो, और यू नो अपने एक एतदाल में रह के, एक बजट में रह के, म्याना रवे से जो है ना अपने बजट को सारा प्लान आउट करो, हर चीज़ में आप गुजारा कर सकते हो मेरा ख्याल है. अगर आपकी ख्वाहिशें बहुत उनकी लाइक अगर कोई हद नहीं ना है तो फिर तो आप किसी भी लाइक सैलरी में आप लोग गुजारा नहीं कर सकते. बहुत से लोग आई थिंक बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो क्वेश्चंस भी पूछना चाहते हैं, तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प. आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो ड्रॉप देम इन द कमेंट्स एंड आई विल डेफिनेटली आंसर देम बैक. तो यहाँ पे डिस्कशन में हमारी मेरे ब्रेड भी बना ली थी, ऑल ग्रेन्स ब्रेड बनी थी, और साथ में ये हम लोगों ने ब्राउन ब्रेड बनाई थी और एक बच्चों के लिए बनाई थी. बहुत मज़े की बनी थी, होममेड थी ऑफ कोर्स, और फिर ये आपको तसल्ली भी रहती है कि ये हलाल भी है. तो खैर, यहाँ पे ये भी एक बहुत सीन होता है. आप लोगों को अगर मेरे ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा है तो आप लोगों ने एक लाइक ज़रूर करना है. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अपने कमेंट्स में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.